अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे का दिन। वही रात को मैंने बनाया था केक और ये हो चुका है अब रेडी, क्योंकि मैंने इसको रात को लेट नाइट बनाया था। मुझे 3 बज गए थे केक बनाते बनाते। फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। 3 से 4 घंटे मुझे इसको फ्रिज में रखना था, तो बस फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मैंने इसको पैक कर दिया था फाइल पेपर से, और मैं इसको फ्रिज में रख के फिर सो गई थी। अब मैं सुबह उठी हूँ तो माशाल्लाह से केक मेरा बहुत अच्छा बना है ये, और बहुत अच्छा चिल भी हुआ है। और अभी मैंने इसको टेस्ट भी किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत यमी बना है। और इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे बहुत जल्द मिलेगी इंशाल्लाह। एक आध दिन में इसकी रेसिपी भी मैं लोड कर दूँगी, और ये बहुत यमी बना है। आप लोग ज़रूर इसको डार्क चॉकलेट केक को ट्राई कीजिएगा। और बहुत इजी तरीके से बनाया है मैंने इसको, बहुत जल्दी रेडी हो गया था ये। आज मैं जाना है मुझे अपने अम्मी के घर, तो वहाँ मैं ये लेके जाऊँगी। मैंने वहाँ ले जाने के लिए रेडी किया था अपने भतीजा भतीजियों के लिए, कि पहले भी मैंने केक बनाया था तो वो भी उनको बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना केक बेक करूँ रात को। और अब ये मैं उनके लिए लेके जाऊंगी। संडे वाले दिन मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन मैं सुबह में ही पौधों को पानी डाल देती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन दोपहर हो जाती है मुझे ना। पराठा बनाने के बाद फिर मैंने देसी घी डाला था फ्राई पैन में। मुझे आलू का भुरते को भगाड़ना था, आलू का भुरता मेरे पास रेडी था, बस मैंने इसको देसी घी में फ्राई करा और बहुत मज़े का बना था। पराठे भी बहुत मज़े के बने थे। अगर आप लोगों को किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा आप लोग, और ज़रूर इन पराठों को भी ट्राई कीजिएगा, आलू के भुरते को भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। बस इसको फ्राई करने के बाद मैंने चटनियाँ भी पीसी हुई थी, ये ग्रीन चटनी और ये लाल चटनी भी मैंने नए तरीके से बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अनाबिया कैसा लग रहा है आपको केक? मज़े का है क्या बेटा? मिनी कुकी चॉकलेट, चॉकलेट चिप नहीं डाला करूँ।
आपको पसंद नहीं है। और परीजा आपको कैसा लगा केक? अच्छा है। कर लिया था, शाम का ज़ाहिर टाइम था तो अबू समोसे वगैरह ले आए थे, नमक पारे, जलेबियाँ, और भाभी चाय बना रही थी, तो बस हमने ये सब इन्जॉय किया, बच्चों ने इन्जॉय किया। संडे का दिन था तो ये बोरियत से बच गए, तो आज चले गए थे। बस बच्चे पॉपिट ये लोग लेके गई थी अपने, सब ये खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बच्चों ने ना बहुत इन्जॉय किया। उड़िया बैठी हुई थी, देखें शर्म आ रही है इन्हें, अरूब अपने खेल में लगी हुई थी, ये भी अपने टॉयज वगैरह लेके गई थी। अभी उड़िया यहाँ बच्चों को लेके बैठ गई थी, इनको मिलाद पढ़ने का बहुत शौक है, और बच्चे ना इनका मिलाद सुन रहे थे, बैठे हुए थे, और अरूप को तो फिर नींद आने लगी थी, बच्चों को इन्होंने बिठा दिया था कि मिलाद सुनो मेरा। बस अब रात के खाने का टाइम हो गया था, 9 बज गए थे, फिर खाना लगा, कोरमा, चिकन कोरमा बनाया हुआ था भाभी ने, और आलू गोश्त का सालन था, खीर थी, और बाद में भाई कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए थे, और बच्चों की वजह से रखी नहीं थी दस्तरखान पे, के बच्चे कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं और खांसे नज़ले चल रहे हैं सबको, फिर आइसक्रीम खा ली थी बच्चों ने। खैर यमी है माए, बहुत यमी हो रहे। पिज़्ज़ा खाना है? चलो आप क्या कर रही हो? क्या हो गया उड़िया? क्या